ऑलराइट दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बजट सीरीज का फोन आ गया है जो 8,000 के नीचे है इसकी प्राइस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोटोरोला का मोटो E13। दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में ये जो फोन है ना, शायद ही कोई इसके पास आ सकेगा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। याद रखिए, इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है 7,000 से, 6,999, एंड जो ऊपर वाला वेरियंट है 464, वो जाता है कुछ 7,999, मतलब 8,000 के नीचे, एंड ऑफर्स के साथ तो ये कुछ 6,500 में मिलने वाला है। क्रेजी क्रेजी प्राइस, क्योंकि प्राइस में फोन्स आजकल दिखते नहीं, अगर दिखते भी है तो शायद A22 वगैरह जो 4-5 साल पुराने प्रोसेसर है उसके ऊपर दिखता है, बट दिस वन इज डिफरेंट। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस आपको देते हैं, इसके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जरूर है इस फोन के बारे में। लेट्स ओपन। ओ, बिग फोन, ऑलराइट, स्लिम, लाइट, स्टाइलिश, डॉल्बी एटमॉस। अब डॉल्बी एटमॉस 8,000 के फोन के साथ एसोसिएट नहीं करते हो, बट दिस लुक्स डिफरेंट। और क्या है, सिम कार्ड टूल एंड डॉक्यूमेंटेशन, 10 वॉट का छोटा सा चार्जर आता है, जी हां 10 वॉट चार्जर है, एंड USB टाइप A2 और टाइप C है, गुड। अगेन 6-7-8 हजार के फोन होते हैं उसमें माइक्रो USB वगैरह दिखता है, इसमें USB टाइप C है, सो दैट इज गुड। चलो ये सब रखते हैं। फोन जो है दोस्तों केस के साथ ही आती है, सो दैट इज अगेन गुड। सो केस कम्स, ऑलराइट। ओह, लुक एट दिस फोन, पीछे से देखिए, ऐसे लगता नहीं है बिल्कुल कि ये, यू नो, इट इज अ 8,000 रुपी फोन, बहुत ही सब पॉलिश्ड लगता है, इन हैंड फील जबरदस्त है, 8,000 का नहीं लगता है दोस्तों। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, इट रियली फील्स मोर प्रीमियम, मतलब 12-15 हजार के या फिर उससे भी ज्यादा महंगे फोन होते हैं वैसे दिखता है, सो आई लाइक दैट। वैसे गिरा के देखना है, दिस इज बजट सीरीज फोन, 1, 2, 3 केस के साथ था इसीलिए मैंने थोड़ा साइडवेज भी गिरा दिया, एब्सोल्युटली नथिंग। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं। 3.5mm जैक है, होना ही चाहिए। डॉल्बी एटमॉस ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है, नीचे यूएसबी टाइप सी, एंड स्पीकर ग्रिल भी है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन नहीं है, साइड में पावर बटन एंड ऊपर की तरफ ऑन ऑफ बटन आता है। चलिए सिम कार्ड ट्रे देखते हैं, इट शुड हैव अ डेडिकेटेड, बजट सीरीज में जनरली डेडिकेटेड होते हैं, सो लेट्स फाइंड दैट आउट। डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है इसके अंदर, तो आप 2 सिम कार्ड इस्तेमाल कर पाओगे, एंड अप टू 1 TB स्टोरेज जो है वो एक्सपैंड कर पाओगे थ्रू SD कार्ड, सो दैट इज गुड। भाई निकल जाए। ऑलराइट, टाइम टू स्टार्ट द फोन। बाहर से तो मुझे सही में अच्छा लग रहा है, फॉर द प्राइस इट इज पंचिंग अबव इट्स वेट। वैसे एक चीज भूल गया दोस्तों, ये लाइट भी है, इट इज क्वाइट लाइट, 5000 mAh की बैटरी है, बट जब तक ये स्टार्ट हो जाता है, लेट मी सी द वेट, 182-183 ग्राम। हेलो मोटो, ओके रखते हैं इसे, 180.9, मैंने 182 कहा था, 181 ग्राम्स का है, मैं कहूंगा इट इज क्वाइट लाइट। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, डिस्प्ले इज 6.5 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, 60Hz का ही है, बट दैट इज गुड, क्योंकि कभी कभी अगेन इस प्राइस रेंज में TFT वगैरह देखने को मिलते हैं, दिस वन इज IPS LCD। व्यूइंग एंगल्स ठीक ठाक है, वाटर ड्रॉप नॉच है, मैं कहूंगा साइड के और ऊपर के जो बेजल्स हैं दे आर डिसेंट एवरेज साइज, चिन भी इस प्राइस रेंज में मैं कहूंगा एवरेज ही है। Alright, let's talk about specifications. Unisoc T606 ये प्रोसेसर आता है दोस्तों, एंड आप कहोगे हाँ Unisoc, लेकिन एक बात कहूँ, इस प्राइस रेंज में अगेन आपको A22 प्रोसेसर, G35 ऐसे प्रोसेसर मिलते हैं, और उनके जो अंतुतु स्कोर्स होते हैं ना, दैट आर क्लोजर टू 1 लाख, कभी कभी 1 लाख के नीचे भी होते हैं, इसका अंतुतु स्कोर 2 लाख के करीब आता है। आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड कि इवन दो इट इज अ Unisoc प्रोसेसर, आई विल टेल यू व्हाट, इट परफॉर्म्स रियली वेल, मतलब नॉर्मल गेम्स वगैरह आपको खेलने हैं, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और एक चीज अच्छी की है मोटोरोला ने, कि जो बेस वेरिएंट है 6,999 का, वो भी 2GB रैम एंड 64GB स्टोरेज दी हुई है, देयर इज नो 232 हियर, जनरली 232 आते हैं इसमें, और जो 4GB 64GB वेरिएंट है वो 7,999 का है। अगर आपको लेना है तो 7,999 वाला लीजिए, क्योंकि आपको 2GB रैम एक्स्ट्रा मिल रही है, एंड इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से आपने लेना चाहिए। LPDDR4X रैम टाइप है, एंड जो स्टोरेज टाइप है वो पता नहीं, बट वी थिंक इट इज UMCP। 5000 mAh की बैटरी आती है एंड 10 वॉट चार्जिंग है, होल डे आराम से आपको जाना चाहिए, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, हमने COD मोबाइल एंड एपिक्स लेजेंड्स, ये दोनों भी गेम्स खेल के देखे, यू कैन प्ले ऑन मीडियम सेटिंग्स। ऑलराइट, सेंसर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली जायरोस्कोप नहीं है दोस्तों, एंड वन थिंग मिसिंग इज, इधर मोटोरोला का लोगो आता है बट फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है इसके अंदर, बाकी सब सेंसर्स आते हैं, फेस अनलॉक वगैरह है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। OS सबसे बड़ी चीज, अगेन बजट सीरीज में जो फोन्स होते हैं सबसे बड़ी चीज होती है सॉफ्टवेयर, एंड दिस वन इज ऑन Android 13
13 Go Edition. So latest Android 13 आपको मिलता है, and Go Edition है, which is really lightweight, ज़्यादा bloatwares अगर आपको नहीं मिलते हैं, and for this price range मेरे हिसाब से ये बहुत ही smoothly operate करता है। वैसे दोस्तों इसमें वो Moto gestures वगैरह जो है ना, वो भी सब आते हैं, and जो experience है closer to stock Android का आपको experience मिलता है, which is very optimized, अच्छा लगा। उसकी वजह से बैटरी भी आपकी ज़्यादा जाएगी definitely। सो परफॉर्मेंस के बारे में बोलूं ना, इसका जो हार्डवेयर है एंड सॉफ्टवेयर है, जो कॉम्बिनेशन है, इट गिव्स यू अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। क्योंकि 8000 के फोन जनरली यू नो थोड़े दिन आप इस्तेमाल करोगे एंड अटकने चालू हो जाएंगे, इसीलिए मोटोरोला की टैगलाइन है इस फोन के साथ, अटके नहीं हटके। तो ये हटके फोन है, एंड परफॉर्मेंस के मामले में आई अग्री विद मोटोरोला, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है इन दिस प्राइस रेंज। दोस्तों बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो FM रेडियो इसके अंदर आता है, सो दैट इज गुड। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन लाइट तो आजकल फोन्स में से निकाल दिए हैं, तो वो तो है नहीं। सार वैल्यू जो है विद इन लिमिट्स। एक अच्छी चीज है जो अगेन इस प्राइस रेंज में नहीं दिखती है, IP सर्टिफिकेशन। दिस इज IP52 सर्टिफाइड, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट जरूर है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, अगेन इस प्राइस रेंज में डुअल बैंड वाईफाई नहीं मिलता है इसके अंदर, जनरली नहीं मिलता है, कुछ कुछ फोन्स में होता है, बट दिस वन हैज डुअल बैंड वाईफाई है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ऑब्वियसली 5G तो नहीं है। वैसे OS के बारे में एक चीज बताना भूल गया, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिलता है, बट मोटोरोला ने कहा है कि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको मिलने वाले इस फोन के साथ, सो एंड्रॉइड 13 को एंड 2 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर आप जियो का सिम लेते हो, एज सून एज यू साइन द एग्रीमेंट की 18 महीने आपको एक सिम कार्ड स्लॉट में जियो का सिम डालना है, तो आपको 700 रुपीज इंस्टेंट आपके बैंक में कैशबैक मिलता है। इसका मतलब जो इफेक्टिव प्राइस हो जाती है फॉर 4GB 64GB वर्जन, दैट इज 7299, मतलब 7300 के अंदर आपको ये फोन मिलेगा। एंड देन और भी ऑफर्स है, कुछ 2000 रुपए के ऑफर्स है, मिंत्रा का कुछ वाउचर है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों ऑफर्स, तो इफेक्टिव जो प्राइस हो जाती है वो और भी कम हो जाती है। वैसे कलर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो 3 वेरिएंट्स आते हैं, ब्लैक, ग्रीन एंड व्हाइट भी है। ये जो है ये डार्कर ग्रीन टाइप है जो मेरे पास है, एंड देन यू हैव गॉट दिस ब्लैक एज वेल, दोनों भी अच्छे दिखते हैं। व्हाइट आई एम नॉट टू श्योर क्योंकि नहीं है, बट वो भी वेरिएंट आता है। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल आता है, एंड आई विल टेल यू व्हाट, मोटोरोला ने अच्छा किया कि वो 2 मेगापिक्सल एंड डेप्थ सेंसर वगैरह नाम के लिए जो सेंसर डालते हैं वो नहीं डाले। आगे की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच में आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। जो भी ओरिजिनल फोटोज वगैरह निकाले हुए दोस्तों, मैं जी ड्राइव की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द फोटोज। मैं कहूंगा फॉर द प्राइस रेंज देख लीजिए डिसेंट फोटोज, स्पेशली इन नेचुरल लाइट अगर आप निकालोगे तो फोटोज वगैरह अच्छे आएंगे, जाके देखिए। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो आप फुल HD 1080p एट 30fps वीडियोस निकाल पाओगे। एंड फीचर्स के बारे में बात करूं, वही जो बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं दोस्तों, AI मोड, प्रो मोड या पोर्ट्रेट मोड, ये सब फीचर्स आपको कैमरा ऐप में मिलते हैं। जो हाईलाइट है ना इस फोन का दोस्तों, वो है परफॉर्मेंस। याद रखिए 6999 फॉर 2GB 64GB, हाँ, और 64GB भी हाईलाइट है, जनरली 232 आता है, बट 364 देना चाहिए था, 3GB रैम एंड 64GB, एंड 7999 फॉर 4GB 64GB। फॉर दैट प्राइस पॉइंट, स्पेशली 464 वेरिएंट के लिए, मैं कहूंगा डेफिनेटली इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। एंड अच्छा भी क्यों कहता हूं, बिकॉज मोटोरोला का जो क्लीन UI मिलता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको। एंड आइसिंग ऑन द केक कहूं, ये दिखता नहीं है दैट इट इज अ बजट सीरीज फोन, ये एक मिड रेंज का वगैरह फोन दिखता है। सो ओवरऑल डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इट पंचेस अबाउ इट्स वेट, अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो। फाइनली जैसे स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा, बहुत दिनों के बाद एक बजट सीरीज का फोन आ रहा है, एंड इट इज सरप्राइजिंगली गुड। यही है दोस्तों मोटोरोला मोटो E13। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अगर कुछ भी आपको फीडबैक देना है वो भी कमेंट सेक्शन, और ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं है वो भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।